सब्सक्राइब कीजिए जैगवार 2.0 चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में और एक नई एनर्जी के साथ में। सो गाइस, आज जो है कुछ नया होने वाला है अगेन। और जो है हम लोगों ने हमारी चेयर को जो है, जो हमारी चेयर थी शाही चेयर जिसके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाते थे, उसको जो है फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है। और अभी हम लोग जो है बाहर निकले, मैं बाहर आया हूँ और यार गर्मी बहुत है अभी। सीरियसली अभी ही बाहर निकला हूँ मैं रूम में से, और थोड़ी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है। और अभी जो इस वक्त जो हूँ मैं बाहर ही जा रहा हूँ, पीछे जो है हमारा रूम है, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस, आज का जो प्लान है हम लोग का जाने का, मेरा और मेरा एक दोस्त है, और हम लोग जा रहे हैं कॉर्निश। कॉर्निश इसलिए बिकॉज जो एक्सपो है, जो एक्सपो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एक्सपो में जाके देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें जो जो कॉर्निश को जो पिछले जो वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा फीफा के वक्त कैसा दिखता था। चलते अब जो ऐसा बना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। और मैंने कुछ लिया नहीं हो फ़ोन को हैंडल करने के लिए यार, यहाँ ऐसे नीचे मेरा हाथ में पेन हो रहा है यार, कुछ तो लेना पड़ेगा यार जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो, कि यार जिसकी वजह से वीडियोस अच्छी बने और मेरा हाथ भी दर्द ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त तक ऐसा पकड़ के नहीं रख सकता यार, थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो इस बाहर निकले अभी नीचे उतरा हूँ मैं, तो उसी के चलते जैसे हर वीडियो स्टार्ट करते वक्त शायरी रहती है मेरी, क्या कुछ लाइनें रहती है। तो लाइनें इस लाइन है कि अकेला ही बहुत हूँ कई लाखों के बराबर, अकेला ही बहुत हूँ कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं वो नाम बनाऊँगा। तो गाइस चलते हैं अभी बाहर निकलते हैं यार, हालत ख़राब हो रही है। किसी के साथ जितना कुछ है कॉर्निश में मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करूँगा, जितना भी कुछ रहेगा सारा कुछ, जितना भी वहाँ पर चेंजेस किए हुए हैं वो सब कुछ और बाकी सारी चीज़ें। और हम लोग वहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं, हम लोग वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं कि वहाँ पे क्या क्या नया नया हुआ है, क्या जो है चीज़ें अलग हुई है। तो दोनों वीडियो मैं इंशाल्लाह मिक्स करूँगा, और उसी के साथ में ये जो है एक वीडियो नहीं रहेगा, पार्ट्स के हिसाब में ये वीडियो आएंगे, बिकॉज बहुत लंबा है कॉर्निश, बहुत बड़ा है, तो एक वीडियो में उसको लेना मज़ा भी नहीं आएगा। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे, जो है हम लोग मेट्रो से जाने वाले हैं, जो है अभी बस आएगा, मैं आप लोगों को बस बताता हूँ बस कैसा रहता है, और फ्री है वो यहाँ से मेट्रो तक जाने के लिए। तो चलते हैं अब बाहर। तो जी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ये मेट्रो का स्टेशन है, सॉरी मेट्रो का जो बस है वो इधर आता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, यहीं पे आसपास मेरा रूम है, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ से, आप देख सकते हो कितना ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत नज़र आता है हमारा कतर। फिलहाल हम कतर में रहते हैं तो कतर हमारा ही हो गया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे बस आएगा, थोड़ी देर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पर। तो ये लो गाइस, हमारा बस इस वक्त आ चुका है और अभी बस के अंदर चलते। सो गाइस ये वो मशीन है जहाँ पे हमको पंच इन करना रहता है, मोबाइल के अंदर एक ऐप है कारवा करके, तो उससे उसके बार कोड को जो है यहाँ पे पंच करना पड़ता है जब हम लोग अंदर आते हैं। तो बिकॉज़ ये फ्री है, ऐसे कोई पैसे नहीं लगते इसके, बट फ्री है वो बार कोड इन आउट करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी कर दिया है अभी बस के अंदर। तो गाइस मैं पीछे बैठा हूँ, आगे अभी अलाउड भी नहीं है खड़े रहना, तो और अच्छे से आपको एक्सप्लोर करता मैं अगर आगे खड़े रहने देता, वो तो नहीं दे रहा है। सेकंड स्टॉप, और अभी डायरेक्ट गाइस हम लोग मिलेंगे मेट्रो पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग मेट्रो स्टेशन पे, ये आप लोग देख सकते हो फैमिली फूड सेंटर, इसके बाजू में ये मेट्रो स्टेशन, इसके बाद मेट्रो बस यहाँ आके लगती है। यहाँ पे लगने के बाद में जो है यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना पड़ता है, तो अभी यहाँ से अंदर जाते हैं। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत एंटी सोशल है, वीडियो नहीं बना सकते हम लोग ज़्यादा। ये जो है ना ये थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम करता है यार, इस पर चलना उतरना बड़ा मुश्किल होता है।
गुड बॉयफ्रेंड या गुड यस मैक्रो दिस वे दिस वे व्हिच वे तो गाइस ये हम लोग जो है कॉर्निश पे पहुंच चुके हैं इस वक्त कॉर्निश पे हम लोग हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो सारे कंट्रीज हैं हमारे सबसे पहले जो है कतर का फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है और ये देख सकते हो आप लोग और इसके बाद सारे फ्लैग्स जो हैं लगे हुए हैं यहाँ पर तो हम लोग फिलहाल इसके अंदर ढूंढते हैं कि इंडिया का फ्लैग किधर नज़र क्यों नहीं आ रहा है। सो गाइस अभी जो है हम लोगों ने पार्क के अंदर जो है एंट्री ले ली है और जहाँ से हम लोग ने एंट्री ली है वहाँ पे पुलिस वगैरह थी और जो है गल्फ कंट्रीज़ में ना बहुत मुश्किल होता है यार यहाँ पे इंडिया जैसे हम लोग फ्रीली नहीं घूम सकते तो गाइस और फ्रीली वीडियोस भी नहीं बना सकते। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो है टोनीशिया का पवेलियन देखने के लिए मिलता है तो गाइस जो है अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सारे पवेलियंस भी देखेंगे और अभी जो है जस्ट मैंने एंट्री लिया हूँ तो गाइस देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए है जो हम एक्सप्लोर कर सके। सो गाइस ये जो है हमारे कतर एक्सपो का जो है दूसरा पवेलियन है रोंडा का तो गाइस ये अभी तक पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है लेकिन आप लोग रेडी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो गाइस इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम एनर्जी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।